कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट डिश। तो इसमें अमेजिंग क्या है कि मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने मावा नहीं लिया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रवा से गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इस दिवाली आप भी अपने घर में बनाइए और इन्जॉय करिए। कम से कम लागत में घर में पड़े सामान से भी आप इतने टेस्टी गुलाब जामुन बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि खाने में, और खाने वाला बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा कि ये किस चीज़ के गुलाब जामुन है। इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेंगे शुगर सिरप। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी लिया है। आप कोई भी 1 कप या कटोरी मेज़रमेंट के लिए रख लो, क्योंकि मेज़रमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 कटोरी मैंने पानी लिया है, तो 2 कटोरी ही मैंने यहाँ पर शुगर भी लिया है। तो बस इसे डालने के बाद हमें इसे मिक्स करना है, और बॉयल आने तक इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो चीनी क्या होती है ना, वो नीचे बैठ जाती है तो जम जाती है। तो बस यहाँ पर ये देखिए चीनी मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, और मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसे हमें 5 मिनट तक और बॉयल करना है, और बस इतना ही हमें इसे चाशनी बनाना है कि बस जैसे शहद होती है ना हल्की सी चिकनी, कुछ उस तरह से हो जाए। तो ये देखिए हमारी मतलब चाशनी बन चुकी है मुश्किल से 5 मिनट में। बहुत हमें इसे गाढ़ी नहीं करनी है, बस पतली सी ही रखनी है। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर और थोड़ा सा रोज़ वाटर। तो बस इसे ढककर रख देंगे, और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई या पैन लेना है, और इसमें मतलब सेम मैंने कटोरी जो ली थी चाशनी के लिए, सेम उसी कटोरी से मेज़रमेंट हमें सारा एक ही बाउल या कटोरी से करना है, मतलब सॉरी मतलब कप या किसी कटोरी बाउल से करना है। तो इसके मैंने यहाँ ले लिया है 2 बाउल, यहाँ पर दूध लिया है, और दूध को अच्छे से गर्म कर देना है। जब ये एकदम बॉयल होने की कंडीशन में आ जाए, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 स्पून देसी घी, और थोड़ी सी इलायची पाउडर, और थोड़ा सा कलरिंग के लिए यहाँ पर मैंने फूड कलर यूज़ किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना डालो। और मेज़रमेंट के लिए कोई भी 1 कटोरी या कप आप ले लो, नहीं तो आप बोलोगे कि मतलब बनाने चलोगे रसगुल्ले बन जाएंगे उपमा, तो आप बोलोगे कि मैंने तो ऐसे ही बताया था। तो इसलिए मेज़रमेंट ध्यान रखना है कि 2 कटोरी दूध और 1 कटोरी यहाँ पर सूजी और रवा लेना है। तो बस इसे कंटिन्यू चलाते जाना है, और एक हाथ से डालते जाना है, एक हाथ से चलाते जाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, नॉन स्टॉप इसे चलाना है, लम्स नहीं पड़ना चाहिए। तो बस ये देखिए लगभग 2 मिनट में, मुश्किल से 2 मिनट लगे इसे, और ये एक बार मतलब एकदम हलवे की तरह हो जाएगा, एकदम इसका एकदम डो तैयार हो जाएगा। तो बस इसे हमें ट्रांसफ़र कर लेना है एक प्लेट में। तो यहाँ पर प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसे हल्का सा ठंडा हो जाए बस इतना कि हमारा हाथ सह सके। तो इसे अच्छे से मैश कर लेना है अपने हाथों की हेल्प से, और खूब अच्छा सा इसे डो बना लेना है। लगभग 3 मिनट के लिए इसे हमें अच्छे से मलते जाना है, मलते जाना है। तो ये देखिए एक अच्छा सा डो बन गया है। तो अब इस मिक्सचर को हम जो है रख देंगे साइड में, और इसका बना लेंगे हम जो है रसगुल्ले यानी गुलाब जामुन। तो यहाँ पर 1 स्पून की हेल्प से मैंने मतलब एक साइज़ के मतलब हमारे बने छोटे बड़े ना हो, इस वजह से इस तरह से मैंने कर लिया है। और आप चाहो तो गोल रसगुल्ले बना लो। तो ये देखिए, तो लेकिन मैं आज यहाँ पर लंबे बना रही हूँ, तो गोल कर लेने के बाद थोड़े से ऐसे हाथ से प्रेस कर देंगे तो लंबे हो जाएंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पर हमारे रसगुल्ले रेडी हैं, अब इसे हम तल लेंगे। तो तलने के लिए यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो बस यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म है, और सारे रसगुल्लों को हम इसमें सेट कर देंगे, और फ्लेम को एकदम मीडियम रखेंगे, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, ना तो लो ही करना है। और इसे अच्छे से सेक लेंगे, और बहुत ज़्यादा इसे हमें ब्लैक नहीं करना है, मतलब गुलाब जामुन यानी काला जामुन बहुत लोग भी बोलते हैं, लेकिन इसे हमें ब्लैक नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन मतलब सुंदर सा देखने में आ जाए। तो बस इतना ही हमें इसे गोल्डन कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारे गुलाब जामुन, अच्छे से देखिए गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद जस्ट इसे हमें डाल देना है शुगर सिरप में, अलग नहीं रखना है बिल्कुल भी। तो शुगर सिरप हमारी बहुत ज़्यादा मतलब गर्म भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। तो सारे रसगुल्ले मैंने निकाल लिए हैं, अब डाल देंगे इसे सिरप में हम। तो ये देखिए यहाँ पर इसे इसमें हम सेट कर देंगे, और लगभग इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो सारे गुलाब जामुन को मैंने इसमें सेट कर दिया, और ऊपर से इसकी सारी चाशनी हम डाल देंगे अच्छे से, जिससे कि चारों तरफ से कोट हो जाए सारी शुगर सिरप, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे।
तो ये देखिए हमारा गुलाब जामुन एकदम से रेडी है 20 मिनट बाद, कितना अच्छा देखने में यम्मी वाओ सुपर लग रहा है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। मैं अभी आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। और चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्म भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडी हो जाएगी तो सोख नहीं होगी, बहुत गर्म होगी तो रसगुल्ले एकदम कट के मतलब गल जाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये स्पेशल रवा स्वीट डिश। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बन जाता है कम से कम लागत में। तो आप भी इस तरह इस दिवाली अपने घर में बनाइए और इंजॉय करिए। मार्केट से ना भी लाइए फिर भी आप अपने घर में बनाकर इंजॉय करिए। तो बस यहाँ पर वीडियो को करती हूँ इन, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।